बातें जो कभी पूरी ना हो, वादे जो कभी अधूरी ना हो, हंसी जो कभी कम ना हो, आंखें जो कभी नम ना हो, और अगर हो तो बस इतना जरूर हो, आंसू उसके हो तो आंखें मेरी हो। भाई इस शानदार कोट के माध्यम से बॉलीवुड के उभरते हुए नए रोमांटिक स्टार यानी कि कार्तिक आर्यन अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म सत्य प्रेम की कथा के टीजर को जारी कर चुके हैं। भैया कल ही ये टीजर हम लोगों के सामने आ चुका है, लेकिन भाई कुछ कामों में व्यस्त होने की वजह से मैं कल इस फिल्म के टीजर का रिएक्शन आप लोगों के सामने नहीं रख पाया। तो भाई इस फिल्म के टीजर के रिएक्शन को रखने से पहले मैं आप लोगों से इस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा, खास तौर पर कार्तिक आर्यन को सॉरी बोलना चाहूँगा कि बॉस मैंने आपकी इस फिल्म के टीजर को कल ही देख लिया था, लेकिन कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जिसके लिए कुछ ज़्यादा वक्त निकालना पड़ता है मेरे भाई, और भाई इसी वजह से मैं कल इस फिल्म के टीजर के रिएक्शन को आप लोगों के सामने नहीं रख पाया था। तो फाइनली अब मैं इस फिल्म के टीजर के रिएक्शन को आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ कि भाई कैसी है ये फिल्म और इस फिल्म के माध्यम से क्या क्या कारनामे करने वाले हैं कार्तिक आर्यन या अपनी महबूबा यानी कि कियारा आडवाणी के साथ मिलकर। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस फिल्म के टीजर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने सत्य प्रेम की कथा के इस टीजर के रिएक्शन को रखूंगी, उससे पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहूंगा कि भाई कार्तिक आर्यन की आने वाली इस लाजवाब शानदार जबरदस्त लव स्टोरी के डायरेक्टर कौन है। तो दोस्तों कार्तिक आर्यन की आने वाली इस फिल्म यानी कि सत्य प्रेम की कथा को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर का नाम है समीर विध्वंस। इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भाई इस शानदार लव स्टोरी के जो राइटर हैं वो हैं करण श्रीकांत शर्मा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई सत्य प्रेम की कथा के राइटर और डायरेक्टर की, अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया इस टीजर की। तो भैया एक और जानकारी आप लोग सुन लो। तो भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भाई ये फिल्म जो है वो 29 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और भाई ओवरऑल इस टीजर को लॉन्च हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, और भाई 24 घंटों में इस टीजर को जिस तरह का सपोर्ट इंडिया से मिला है उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूँगा कि भाई कार्तिक आर्यन जो है वो इस बार अपने रोमांटिक अवतार के माध्यम से भी या बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से हिलाने के लिए तैयार है मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म के इस टीजर को लेकर ये जानकारी हम लोग सामने आई है कि भैया अब तक 16.4 मिलियन लोगों ने इस फिल्म के टीजर को देख लिया है, यानी कि भैया 1,64,37,647 लोगों ने तब तक इस फिल्म के टीजर को देख लिया था जब तक ये रिएक्शन मैं आप लोगों को बताने के लिए आंकड़े लिख रहा था। और भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया इस फिल्म को अब तक जो लोगों के द्वारा लाइक मिला है आंकड़ा है 92,000 का। यानी कि भाई कार्तिक आर्यन की आने वाली इस फिल्म यानी कि सत्य प्रेम की कथा के टीजर को जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है उसको देखने के बाद तो आप भी ये बात मानोगे कि भाई ये सेल्फ मेड सुपरस्टार जिसके ऊपर भैया किसी बड़े खानदान का टैग नहीं लगा हुआ है कि भाई ये इस खानदान से बिलोंग करता है, इसके दादाजी फिल्म इंडस्ट्री में ये करते थे, इसके पिताजी फिल्म इंडस्ट्री के ये कलाकार थे, इनकी माताजी ये कलाकार थी, इनके भाई ये प्रोड्यूसर हैं, उनके भाई वो डायरेक्टर हैं, इनका अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस है, ऐसा कोई भी टैग लेकर नहीं आए हैं कार्तिक आर्यन भैया। वो बस बॉलीवुड में आज जो भी कर रहे हैं ना अपने ज़बरदस्त टैलेंट के माध्यम से कर रहे हैं, और भाई ये बात इस फिल्म के टीजर में आपको कूट कूट कर भरी हुई देखने को मिलेगी मेरे भाई। क्या परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं मेरे भाई कार्तिक आर्यन। यानी कि भैया काफी दिनों से लव वर्ड्स को एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट का इंतजार था जिसको भैया लेकर आ रहे हैं भाई कार्तिक आर्यन। भाई ये जो लाइन्स आते ना, बातें जो कभी पूरी ना हो, वादे जो कभी अधूरी ना हो, हंसी जो कभी कम ना हो, आंखें जो कभी नम ना हो, और अगर हो तो बस इतना ही हो कि आंसू उसके हो और आंखें मेरी हो। और भाई जैसे ही ये डायलॉग पूरा होता और इस टीजर में कियारा आडवाणी की आंखों से जो आंसू बहते हुए नजर आते ना भैया, उसको देखने के बाद दिल जो है ना वह पूरी तरह से पिघल जाता, मायूस हो जाता इस बात को लेकर कि भाई क्या है इस फिल्म की कहानी, क्यों ये बातें भाई कार्तिक आर्यन कियारा आडवाणी को लेकर कह रहे हैं। यानी कि इस फिल्म में आपको एक जबरदस्त लव स्टोरी देखने को मिलेगी भैया, इस बात की झलक इस टीजर में तो हमें देखने को मिल रहा है मेरे भाई। तो भाई वाकई में बहुत ही शानदार है ये टीजर, और भाई इस टीजर के साथ में जो वो गाना था ना,
आज के बाद तू मेरी रहना, आज के बाद तू मेरी रहना। भाई ये लाइन जो आता है ना, दिल खुश हो जाता है मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही शानदार है ये टीजर, और भाई अब इस फिल्म का इंतजार तो भैया मैं भी बहुत ही बेताबी से कर रहा हूँ। भाई मैंने कहा ना, ये लड़का जो है ना भाई, सेल्फ मेड सुपरस्टार है। और भाई ये बंदा अपने दमखम पर अपने लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देगा आने वाले जमाने में, जिसको देखने के बाद हर कोई यही बोलेगा कि भाई अगर आपके अंदर टैलेंट हो ना तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।